इंटरनेशनल लेवल पे इंडियंस को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है एज कम्पेयर टू पाकि, हमें पाकि कहा जाता है। कोई एक शोभा जिसमें आपको लगता हो हम भारत से भी आ गए? यार अगर आप देखो तो हम हर चीज़ में ही आ गए हैं उनसे, सिर्फ बात सिर्फ ये है कि हम ऑप्शन में दिखा नहीं पाते, हम आईटी में आ गए हैं भारत से। सर बेसिकली वो एडवर्टाइज ज़्यादा करते हैं इंटेलेक्चुअल। बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं आपके, आईटी में हम आ गए हैं भारत से। सर आप इंटेलेक्चुअल को देखें, आप इंटेलेक्चुअल देखें, आईटी बेस कहाँ से होगा? वो यहीं से होगा ना। ठीक है, तो उनके पास दिमाग नहीं है? सर दिमाग बिल्कुल, लेकिन बंदे तो हमारे हैं। वो किस तरह? एक शोभा आप मुझे बताएं जिसमें हम लीड कर रहे हैं और भारत हमसे पीछे है, कोई एक। हम देखें आजकल बस लड़ाई झगड़े में ही आ गए हैं हमसे। अभी भी पाकिस्तान को बस लीज पे दे दें, चाइना को दे दें, किसी मुल्क को दे दें। एयरपोर्ट देख लें आप लीज के ऊपर है, रेलवे देख लें लीज के ऊपर है, जितने बड़े बड़ी जगह हैं सारी लीज पे दी भी तो हैं। और सर जी जो रह गया ना ये वो भी देंगे। आप इस मार्केट में देखें रात को कितने हिजड़े होंगे, जो मर्द दूसरे कपड़े पहन के लोगों को तंग कर रहे होंगे, कितनी औरतें होंगी लोगों को तंग कर रही हो, खाना नहीं खाने देंगी। ये मतलब इस मार्केट में इतना हाल है तो पूरे पाकिस्तान में कितने मंगते हैं और फिर हमारे सीटों पर कितने मंगते हैं, तो फिर हम इसका क्या हाल है। ये पाकिस्तान अल्लाह ने जो बनाया था, आलम इस्लाम का वाहिद किला है जिसको गिराने के लिए पूरी दुनिया की ताकतें लगी हुई हैं। मैं तो ये भी कहूंगा कि अगर मेरे बड़ों ने कहीं कलमा पढ़ा था वो डर के पढ़ा था, उनको पता था कि मेरी इज्जत जो है महफूज नहीं है, मेरी जायदाद जो है वो महफूज नहीं है। और ये किला और ये फौज सईदी रसूलुल्लाह ने इसलिए बनवाई थी कि इसने गज़वाए हिंद लड़ना है और बाद में जाके इसने बैतुल मक़द्दस शरीफ और फलस्तीन आज़ाद कराना है। जैसे हमने कहा कि हर कौम का एक ट्रेट होता है और इंडियंस का ट्रेट ये है कि नॉट जस्ट दे आर कंपल्सिव लायर्स, दे आर एब्सोल्यूट ब्लडी इडियट्स एज़ वेल। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ पाकिस्तानियों को, जो कि आप इस वीडियो में आप देखोगे कि एक पाकिस्तानी जो ये बात बता रहा है कि भारत जो आईटी में आगे गया है ना वो पाकिस्तान की वजह से गया है, और वो ये भी बता रहा है कि आज के समय में पाकिस्तान भारत से आईटी में बहुत ज़्यादा आगे है, और कुछ पाकिस्तानी ये बता रहे हैं कि भारत बहुत ज़्यादा आगे है। तो काफ़ी मज़ेदार वीडियो होने वाली है, आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप पूरी देखना। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप उनके चैनल को भी विजिट कीजिए, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो कंपनी की जो टॉप मैनेजमेंट है जब वो सारी इंडियन ही होगी तो अल्टीमेटली इंडियन ही का मतलब इन्फ्लुएंस होगा ज़्यादा? ज़रूरी नहीं है, अगर देखो काम करने वाले तो पाकिस्तानी है ना, हमेशा जो है बिजनेस टीम वर्क से चलता है। अगर टीम में पाकिस्तानी ज्यादा है तो मेजोरिटी होगी तो अपनी हम कंपनी। मतलब पाकिस्तानी आप किस लेवल पे कह रहे हैं, मतलब कितने तादाद में अगर इंडियंस की नस्बत? इंडियंस बेसिकली बाहर तो ज़्यादा ही है यार, देखो इंटरनेशनल लेवल पे इंडियंस को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है एज कम्पेयर टू पाकि, हमें पाकि कहा जाता है डेफिनेटली। लेकिन यार ठीक है, हमें थोड़ा बहुत जो है ना गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा बहुत हमें फंडिंग या सपोर्ट होनी चाहिए। कोई एक शोभा जिसमें आपको लगता हो हम भारत से भी आ गए? यार अगर आप देखो तो हम हर चीज़ में ही आ गए हैं उनसे, सिर्फ बात सिर्फ ये है कि हम ऑप्शन में दिखा नहीं पाते, हम आईटी में आ गए हैं भारत से। सर बेसिकली वो एडवर्टाइज ज़्यादा करते हैं इंटेलेक्चुअल। बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं आपके, आईटी में हम आ गए हैं भारत से। सर आप इंटेलेक्चुअल को देखें, आप इंटेलेक्चुअल देखें, आईटी बेस कहाँ से होगा? वो यहीं से होगा ना। ठीक है, तो उनके पास दिमाग नहीं है? सर दिमाग बिल्कुल, लेकिन बंदे तो हमारे ही हैं। वो किस तरह? किस तरह अगर आप ज़्यादातर देखें कंपनीज जो कि यहाँ से, आप कह लें कि एम्प्लॉयमेंट लेवल को आप अगर थोड़ा बहुत देखें, यहाँ पर लोग इसलिए भी नहीं टिक पाते क्योंकि उसको अच्छा मुआवजा नहीं दिया जाए। ठीक है, अच्छी पेमेंट जहाँ मिलेगी हम लालची में चले जाते हैं। नहीं, आपने कहा दिमाग जो है वो हमारे पास ज़्यादा है, और वो अगर देखा जाए तो बंदे तो हमारे ही हैं वहाँ पर भी। एग्जैक्टली, उनके वो उनका अच्छा पे कर रहे हैं, यही अगर पेमेंट हमें अच्छी हमारे बंदों को की जाए तो शायद हम भी एक दिन आगे। पाकिस्तानी ओरिजिन से कोई नहीं है, सारे इंडियन ओरिजिन से। लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ मसला सिर्फ यही आता है कि हमें कोई सपोर्ट नहीं मिलती, हम बेचारे जहाँ पर हैं हम वहीं के वहीं जा जाते हैं। थोड़ा सा बकअप मिले हम कुछ करके दिखाएंगे डेफिनेटली। एनी लास्ट मैसेज? बस दुआ होनी चाहिए हमारे लिए, हम सबके लिए, कि अल्लाह पाक जो है ना हम पे रहम करे, कदम करे। मुझे ये बताएं कि भाई अभी कह रहे थे कि आईटी के शोबे के अंदर जो है वो दिमाग की अगर बात की जाए तो वो हम लोगों में ज़्यादा है, आप इत्तफाक करते हैं इस बात से? ज़्यादा है भी, और मैं इस ये ऐसी स्टेटमेंट है कि बंदा क्लियर कट नहीं कह सकता। मुझे एक बात बताएं, स्टॉक मार्केट की अगर मैं आपसे बात करूं, MRF उनकी एक कंपनी है, उसका पर शेयर जो है वो 1 लाख को रीच कर गया, इंडियन हिस्ट्री में पहली दफ़ा इस तरह देखने में आया है। कितना काम वहाँ पे हो रहा है स्टॉक मार्केट के अंदर? अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो हमारी क्या प्रायोरिटी है? असल में पोलिटिकल स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है सारा कुछ, तो उधर वो पोलिटिकली स्टेबल हैं, उनकी गवर्नमेंट है वो पूरा टर्म पूरा कर दिया अपना, तो इस वजह से मुझे लगता है कि वहाँ पे कंपनीज फ्लरिश करती हैं, वहाँ पे बिजनेस अच्छे चल रहे हैं। हमारे यहाँ इंस्टेबिलिटी है जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट भी नहीं आती बाहर से, और फिर बिजनेसमैन ज़रा इनसिक्योर होते हैं, तो वो जिनका इस्टेब्लिश होता है वो भी कोशिश करते हैं कि बाहर शिफ्ट हो जाएँ ताकि हम ज़्यादा
जनरेट कर सकें प्रॉफिट्स वगैरह। यहाँ पे बिजनेसमैन ज़रा वो उसको कॉन्फिडेंस नहीं है इतना, इस वजह से सवाल आपसे करूँगा। मतलब बहुत सारे शोबे हैं, मैं आपको बता दूँ, जिसमें भारत लीड कर रहा है और पाकिस्तान से आगे मतलब जो है वो काम कर रहा है। ऑटोमोबाइल हो, कोई भी हो, उसमें कोई एक शोबा आप मुझे बताएं जिसमें हम लीड कर रहे हैं और भारत हमसे पीछे है, कोई एक। हम देखें आजकल बस लड़ाई झगड़े में ही आ गए हैं उनसे बस, और दूसरी चीज़ ये ऐसी बात है बिल्कुल। ओ भाई अपना ना सोचो, आने वाली नस्लों को सोचो, आने वाली नस्लों के लिए हम क्या मैसेज छोड़ के जा रहे हैं। देखें पाकिस्तान ऐसे नहीं बना, बड़ी कुर्बानियों से बना, लाखों लोग शहीद हुए हैं, लाखों लोगों की कुर्बानियों से बना है। क्या इसलिए आज़ाद हुए थे? फिर इससे अच्छा तो फरंगी था ना, वो इतना जुल्म तो नहीं करता था, उनको क्यों भगाया? इससे अच्छा तो फिर मुगल थे, उनसे क्यों निजात ली? इससे तो अच्छा फरंगी है, अभी भी पाकिस्तान को बस लीज पे दे दें, चाइना को दे दें, किसी मुल्क को दे दें। एयरपोर्ट देख लें आप, लीज के ऊपर है, रेलवे देख लें लीज के ऊपर है, जितने बड़े बड़ी जगह हैं सारी लीज पे दी भी तो हैं। और सर जी जो रह गया ना ये वो भी देंगे, ये जितना कुछ, ये तो शायद हमारी भी कीमत लगाएंगे, ये कहेंगे 23 करोड़ मल्टीप्लाई करो 1000 से ले लो हमारे से, इनका क्या जाएगा? ना इनकी यहाँ को फैक्ट्री है, ना इनके यहाँ घर हैं, ना कुछ भी कोई। जब इस तरह 10 रोजाना 10-20 लोग इंटरव्यू देने लग गए, इस तरह बात करने लग गए, तो इनको लेने के देने पड़ जाएंगे। एंड वाशिफ आएगा तो चंगा हो जाएगा, ये इमरान खान आएगा चंगा, ये इन्होंने किसी ने भी नहीं अच्छा करना, अच्छे करने वाले ऐसे नहीं होते, अच्छे करने वाले ईदी जैसे थे, उनको सियासत की कोई शौक नहीं था, डॉक्टर कदीर जैसे थे, अच्छे करने वाले मर गए पाकिस्तान में, ठीक है। इंडिया में हमारे से ज़्यादा अभी भी गुर्बत है, मगर वो लोगों से तो नहीं मांगते, उन्होंने अपनी आवाम को ऊपर खड़ा किया ना, लोगों को कामों पे लगाया, कारोबार पे लगाया, ठीक है। हमने तो लोगों को कहा बस तुसी भी मांगो, असी भी मांगने हैं। आप इस मार्केट में देखें रात को कितने हिजड़े होंगे, जो मर्द दूसरे कपड़े पहन के लोगों को तंग कर रहे होंगे, कितनी औरतें होंगी लोगों को तंग कर रही हो, खाना नहीं खाने देंगी, ये मतलब इस मार्केट में इतना हाल है तो पूरे पाकिस्तान में कितने मांगते हैं, और फिर हमारे सीटों पर कितने मांगते हैं, तो फिर हम इसका क्या हाल है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर हम इस वीडियो को लेकर बात करें ना, तो बेसिकली इसमें कंपैरिजन किया गया है एक तरफ से भारत और पाकिस्तान का। जैसा कि हम हर बार देखते हैं कि पाकिस्तान की मीडिया में भारत को लेकर हर बार कंपैरिजन किया जाता है कि भारत तो इस फील्ड में आगे चला गया, पाकिस्तान पीछे क्यों रह गया। स्पेशली IT का उदाहरण दिया जाता है बार बार कि IT में भारत कितना अच्छा कमाल कर रहा है और पाकिस्तान क्यों नहीं कर पा रहा है। भारत की एक्सपोर्ट कितने बिलियन डॉलर में है और पाकिस्तान की मिलियन डॉलर में एक्सपोर्ट है, तो इसको लेकर काफ़ी बार कंपैरिजन किया जाता है। ट्रेड को लेकर भी बातें की जाती हैं पाकिस्तानियों के बीच में, तो कुछ पाकिस्तानी तो ऐसे मिलते हैं हमको, जैसा कि इस वीडियो के अंदर भी आपने देखा होगा, जो पाकिस्तानी है वो बता रहा है कि पाकिस्तान जो है ना मतलब भारत से हर फील्ड में आगे हैं। जब उससे रिपोर्टर ने सवाल किया कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान किस चीज़ में भारत से आगे है, तो उसने कहा कि हम तो हर चीज़ में ही भारत से आगे हैं। तो देखिए ये पाकिस्तानियों का थोड़ा जज्बा होता है, तो वो जज्बे के साथ बात करते हैं तो ऐसी बात कर देते हैं, बाकी रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मुझे कोई कह दे, कोई अगर मुझसे कुछ मेरे बारे में पूछे और जो मैं हूँ ही नहीं वो अगर मैं बताना शुरू कर दूँ तो उससे मतलब क्या है? रियलिटी जो है वही रहने वाली है ना, वो तो चेंज होने वाली नहीं है। तो आदमी को जो है ना हमेशा रियलिटी में रहना चाहिए, लेकिन पाकिस्तानियों का थोड़ा अलग लेवल का माइंड चलता है तो वो कुछ भी बोल देते हैं। वीडियो के एंड में हमने एक ऐसे पाकिस्तानी को भी इस वीडियो के अंदर सुना है जो पूरी तरीके से पाकिस्तान की सच्चाई बयां करता हुआ हमको दिखाई दिया। कर्जे के लेकर उन्होंने बात की इस वीडियो में कि जो ये उन हुक्मरानों को लेकर, वहाँ के जो नेता लोग हैं उनको लेकर उसने बात की कि ये जो लोग हैं ना ये बेच सकते हैं, पाकिस्तानी आवाम को भी बेच सकते हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और उसने जो सच्चाई बताई है कि इनके जो पासपोर्ट है, ड्यूअल नेशनलिटी है इनके पास, इनके घर विदेशों में है, इनका बैंक बैलेंस विदेशों में है, अगर आगे जाकर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होता है, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, तो ये लोग तो पाकिस्तान छोड़कर चले जाएंगे, भुगतना किसको पड़ेगा? भुगतना वहाँ की आवाम को पड़ेगा। तो हालात जो है ना पाकिस्तान के अंदर अच्छे नहीं हैं, ये हमको इस वीडियो को देखकर भी पता चला है। बाकी आप इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।